हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलाई कैसे सीखें में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे बोट नेक डिज़ाइन। यहाँ पे हमने नेक की कटिंग पहले से कर रखी है और हमने इसका चुपका भी रखा है। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा नेक है जो मैंने इसको पहले ही तैयार कर रखा है। जो नेक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई भी 4 इंच है। और यहाँ पे जो ये बाहर की जो ये चौड़ाई है, पेस्टिंग की जो चौड़ाई है, ये है 2 इंच। तो हम इसको इसमें पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। इस वाले नेक में हम पहले पाइपिंग लगाएंगे। तो ऐसे रखेंगे हम अपने नेक को। और ये हमारी गोल्डन कलर की पाइपिंग लगेगी इसमें। और इसको ऐसे रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको इधर की तरफ से हम इसको ऐसे इसमें पाइपिंग निकालेंगे। इस तरीके से इस तरीके से हमने नेक में ये पाइपिंग लगा दी है। तो हम इसको कुर्ती से अटैच करेंगे फ्रंट पीस पे। इस तरीके से पहले हमने आपको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको, हाथ से प्रेस कर देंगे इसे। और इसके बीच में एक कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती का आगे का भाग है, फ्रंट पीस है, ये अस्तर वाली कुर्ती है। इस पे हमने बीच में एक सिलाई लगा ली और हम इसी के ऊपर उल्टी साइड, ये कुर्ती की उल्टी साइड है तो हम इधर इसकी साइड से ही नेक रखेंगे इस पे। इस तरीके से और सेंटर में हम एक रफ सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये हमने रफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मिला के देख लेंगे हमारा नेक सही बैठ रहा है, बीच में ही है, सेंटर में ही है क्या। देखिए आप देख सकते हो हमारा नेक बिल्कुल सेंटर में है। तब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। नेक पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसकी साइड साइड में सिलाई लगानी है बिल्कुल। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इधर से
इधर की साइड से भी ऐसे काटेंगे। ये हमने ऐसे कटिंग कर ली है और अब हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे नेक के चारों ओर। ऐसे हमने कट लगा दिए हैं, अब हम इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पिन के बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरीके से हमने ये नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। बोट नेक डिज़ाइन आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बोट नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसे आप बहुत आसान तरीके से सिल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।